आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर, और जो कि पॉइंट है आपका एजुकेशन एरिया में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहा है 2023 से। तो कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना आई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से एक नए सत्र में शिक्षा में बदलाव देखने को मिलेगा। और क्या बदलाव है इसी के हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए जो लोग नए हों वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, एक बताते हैं आपके लिए जो चर्चा में रहा है, आज का विषय है 4 साल में स्नातक की डिग्री आप लोग कर पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ जानकारियां हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि 4 साल स्नातक होने जा रहा है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। इसमें कुछ आधार बताए गए हैं सरकार की ओर से। तो देखिए, जो 4 वर्ष का स्नातक है यह है ऑनर्स है, यानी कि ऑनर्स जो है 4 साल का है। और अगर कोई व्यक्ति इंटर करता है और ऑनर्स में एडमिशन ले लेता है स्नातक में, और 4 साल कंप्लीट होने से पहले भी, यानी कि जब फाइनल में होगा, तो रिसर्च कार्य की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी। लेकिन इनके लिए एक बदलाव किया गया है गवर्नमेंट की ओर से। क्या शर्त रखी है सरकार ने, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं यूजीसी की। यूजीसी का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति स्नातक के बाद, लेकिन शर्त ध्यान रखें आप, ऑनर्स होना चाहिए वो व्यक्ति, रिसर्च कार्य ऑनर्स के टाइम में ही फाइनल में शुरू कर सकते हैं, यानी कि शोध प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन रखी है स्नातक में 75% आपके कम से कम अंक होने चाहिए, 75% आपके कम से कम नंबर होने चाहिए, तभी आप लोग स्नातक के बाद अपना रिसर्च कार्य कर सकते हैं। और एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वो क्या बदलाव है तो देखिए, आपको बताते हैं। पहले ऐसा होता था कि जैसे आपने इंटर किया और 3 साल का स्नातक किया आपने, तो आप स्नातक हो जाते थे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते थे जिनके सामने कुछ समस्या रहती थी। जैसे मान लीजिए स्नातक यानी कि फर्स्ट ईयर कर लिया उन्होंने, और फर्स्ट ईयर के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई, तो उनका स्नातक की डिग्री बेकार हो जाती थी। या फिर सेकेंड ईयर में आपने करने के बाद फाइनल आप नहीं कर पाए, तो आपकी जो स्नातक की डिग्री है वह नहीं मिलेगी। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग यूजीसी ने एक नई रूपरेखा तैयार की है, जो कि हम बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से समझें। अगर आप लोग जो हैं 1 साल स्नातक कर लेते हैं, तो आप लोग फाइनल ना करें। मान लीजिए आपने फाइनल नहीं किया, सेकंड नहीं किया, और केवल स्नातक फर्स्ट ईयर में आपने कंप्लीट किया है, और आपकी किसी वजह से एजुकेशन छूट गई है, तो आपके लिए अगर आपने 1 साल किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सरकार की ओर से। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी से आपको स्नातक की जो है सर्टिफिकेट 1 साल का मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। ध्यान रखिए, 2 साल किया है आपने और फाइनल नहीं किया है, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा सरकार की ओर से। और अगर आपने 3 साल कंप्लीट किए हैं स्नातक के, तो आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी 3ों साल की, आपको आप स्नातक घोषित हो जाएंगे। लेकिन एक आप ध्यान रखें, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, या बीएससी या बीकॉम, स्नातक की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, तो आप लोग जो हैं फर्स्ट ईयर करने के बाद एजुकेशन नहीं कर पाते अपनी पूरी, तो आप लोग जो हैं 7 साल के अंदर, ध्यान रखें आप, 7 साल के अंदर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद आप लोग अपना सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर कर रखा है। अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर रखा है, तो फाइनल में आप लोग जो हैं
अपनी पढ़ाई 2-3 साल बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बताया गया है टाइम पीरियड वो है 7 साल का होगा। 7 साल के अंदर आपको डिग्री कंप्लीट करनी होगी। और इसके बाद देखिए जानकारी मिली है, लेकिन हम आपको बता दें अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं है कि स्नातक ऑनर्स 4 साल का है तो क्या 3 साल वाला स्नातक बंद हो जाएगा? नहीं, दोनों चलेंगे। बस उसमें हमने आपको बता दिया ना कि उसमें आप रिसर्च कार्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 3 साल का स्नातक होगा उसमें आपको पीजी करना होगा, फिर अपना रिसर्च कार्य आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिमिट है जो कि पुरानी कंडीशन के हिसाब से है। बस एक आप ध्यान रखें, बीए का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसमें कुछ बदलाव हुआ है। और देखिए आपके लिए बताते हैं एक बात और निकल कर आई है जो कि यूजीसी ने कहा है कि स्नातक में जो सरकारी सीट होंगी और प्राइवेट का भी कह नहीं सकते क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें इस लिखा है जो कि सूचना मिली है यूजीसी के द्वारा कि स्नातक में 10% सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये ध्यान रखें आप। और स्नातक में जो है प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी करना होगा, और स्नातक में ही एनवायरमेंट एजुकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इसमें दे रखा है योगा फिटनेस विषय पर आपको कंपलसरी एक सब्जेक्ट लेना होगा, ध्यान रखिए आप। यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है सरकार, आपको एक सब्जेक्ट ऐसे लेना होगा बीए में जो स्किल डेवलपमेंट पर आधारित हो, जिससे आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके, ये नई शिक्षा नीति में बात की गई थी। तो इतना ध्यान रखें आप कि यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन अपनी जारी कर दी है नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर। 4 साल में स्नातक की डिग्री होगी लेकिन ऑनर्स होगी, उसके बाद अपना आप लोग जो है रिसर्च कार्य कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च कार्य जब कर पाएंगे आप लोग, जब आपके 75% प्लस आपकी परसेंटेज होगी। और 3 साल का जो स्नातक होता है आज की डेट में, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं और 4 साल बाद आप लोग करते हैं सेकेंड ईयर, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब फर्स्ट ईयर करेंगे तो आपको केवल सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल करते हैं स्नातक तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, और जब आप कंबाइंड रूप से पास कर लेंगे पूरी स्नातक की डिग्री तो आपको यानी कि डिग्री मिल जाएगी और फाइनल की मार्कशीट मिलेगी। तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, अगर आपने 1 साल 2 साल किया है छोड़ दिया है और आगे एजुकेशन नहीं हो पाई है तो आपको यानी कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, और अगर आपने 1 साल किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस यूनिवर्सिटी से आप करेंगे। तो यही इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि हमने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से, और कोई बदलाव अगर होगा या सूचना आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दी जाएगी, और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।